मैंने अभी खरीदा है ये घर और मैं इसे बेच रहा हूँ $1 में। वो जो ट्रक वहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ $1 लेकर आ सकता है और ये घर खरीद सकता है। और जैसा आप देख रहे हैं ये घर सस्ता नहीं है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो कार ने घर मिस किया। ओ कमाल की कार थी वो, उसने भी घर मिस किया। ये साइन काम नहीं कर रहा है तो हम बड़ा वाला लेकर आए हैं। अरे निकाल के फेंक दो इसे। कोई तो आया। वो ड्राइवे में है। hey, ये घर सिर्फ $1 में बिक रहा है, क्या आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? शर्त क्या है? कोई शर्त नहीं। नहीं नहीं, कोई तो शर्त होगी ना। ये है फर्स्ट बेडरूम, कैसा लगा ये? ठीक है। ठीक ही है? शकी बंदा है। इस बंदे को इतना शक हो रहा है कि हमें लिटरली अपने वीडियोस दिखाने पड़े ये प्रूव करने के लिए कि हम कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं। 54 मिलियन, इतने सारे सब्सक्राइबर्स। मैं यहाँ लेटा था टेस्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। बिस्तर भी लगा दिया है, देखो कितना अच्छा काम किया है मैंने। इस बेड के अंदर डेड बॉडी तो नहीं है ना? सुनो, पीछे की तरफ तो और भी कमाल है। आइए। ओके। आपको लग रहा होगा कि ये स्टोर रूम जैसा है, लेकिन इसके अंदर है एक शानदार और कमाल का जिम। वाओ मैन, क्या बात है। मैं $2 दूंगा। अरे रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे, वाओ, आपको मिलेगा अपना खुद का गेमिंग रूम। ये देखिए। चलो यार पेपर वर्क करते हैं, इससे पहले कुछ और दिखाओ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो $1 इसमें रख दीजिए। थैंक यू, आपने दे दिया डिपॉजिट। ये रहा पेपर वर्क, कंग्रेट्स आपके ब्रांड न्यू घर के लिए। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा मैंने $1 में घर खरीद लिया। और ये है दूसरा घर। नहीं मैं काल हूँ। इस घर की खास बात ये है कि ये दो अलग अलग घरों को जोड़कर एक बनाया गया है। पीछे हटो। और इस स्टुपिड साइन को यूज करने की बजाय मैंने खरीदा एक बिलबोर्ड, हाउस फॉर सेल एज हाई एज $1, ज्यादा कुछ नहीं। और वो बिलबोर्ड है एक बहुत ही बिजी रोड पर। यहाँ बहुत से लोग आने वाले हैं, देखना। वो लोग ड्राइववे में पार्क कर रहे हैं, उन्हें बिलबोर्ड दिख गया होगा। चलो मास्क पहन लेते हैं। चलो 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 चलो। तो कैसे हैं आप लोग, आपको लेफ्ट वाला घर देखना है या राइट वाला? मुझे राइट पसंद। ओके, तो ठीक है, क्योंकि वही है जो हम ऑफर करने वाले हैं। आपने भी जरूर बिलबोर्ड देखा ना, आपने हमारा मिस्टर बीस्ट चैनल देखा है? हाँ हाँ, मैंने सब्सक्राइब किया है उसे स्नैपचैट पर। स्नैपचैट? आपने हमें स्नैपचैट पर देखा? हाँ हाँ। ठीक है, अब हम है स्नैपचैट चैनल भी। तो जैसा कि बिलबोर्ड पर लिखा हुआ है, ये $1 का घर है, आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। ठीक है तो आइए, चलिए। ठीक है तो अंदर आ जाइए, यही है वो घर। ये है लिविंग रूम और यहाँ पर है ये छोटा सा किचन। वैसे कभी मैंने वॉशर और ड्रायर को किचन में नहीं देखा है, लेकिन ये घर ऐसे ही आया था। आइए ऊपर देखते हैं। तो यहाँ हम लोग पिचकारियाँ रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ये है मास्टर बेडरूम, ये काफी बड़ा है, गिली सूट को इग्नोर कीजिए। तो ये पहला रूम है और ये गेमिंग रूम है। आपके पास है PS5, ब्रांड न्यू गेमिंग कंप्यूटर और यहाँ आपका रेट्रो गेमिंग कॉर्नर है। ये कितना खूबसूरत है, मुझे लगता है मैं यहीं रहने वाली हूँ। और घर का बेस्ट पार्ट है, मैं चाहता हूँ आप इसे हटाएं। ये इस पूरे घर का बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है, लाइफ टाइम सप्लाई टॉयलेट पेपर का। यहाँ टॉयलेट पेपर की लाइफ टाइम सप्लाई है। टॉयलेट पेपर के अलावा हमारे पास उनके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी है, इस पर्दे के पीछे। सच में? गॉश ये ऑसम है दोस्त। हाँ तो ये भी इसी के साथ आता है। क्या ये भरा हुआ है? और यहाँ पैसा भी मैं है। इसमें कूदना चाहती हूँ। और जब तक ये पेपर वर्क साइन कर रहे थे, बहुत सी कारें आने लगी थी और हमें उन्हें वापस भेजना पड़ा पैसों से भरे हुए बैग्स के साथ। ओ हे, घर ऑलरेडी बिक चुका है, लेकिन हमारे पास आपके लिए भी ये पैसों से भरा हुआ बैग है। और नहीं है क्या? नहीं, तुमने मुझे 3 ही दिए थे। लगता है आपके बच्चे अमीर बन गए। कोई बात नहीं। राइट। ऐसे कैसे लोग एक बिलबोर्ड पढ़कर अपने पूरे परिवार के साथ एक रैंडम एड्रेस पर पहुंच जाते हैं? आप लोगों को ऐसे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने $1 में घर खरीदा, कहीं ये सपना तो नहीं है? मैंने कुछ दिन पहले सब्सक्राइब किया था और अब ये हुआ, पता नहीं मैं क्या कहूँ, मैं शॉक में हूँ। ये आपके घर की चाबी और ये चाबी है आपके घर की, अब आप दोनों पड़ोसी हैं। और अब हम आए हैं अपने चौथे घर में और इसे $1 में बेचने की बजाय मैं इसे दूंगा किसी जरूरतमंद को। हमारे एक दोस्त है जो हॉस्पिटल के चक्कर काटती है, उसे इस घर की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हम मदद कर रहे हैं, तो इसे ब्लर करो। टॉड, ये है मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम्हारी फ्रेंड को जिस फर्नीचर की जरूरत होगी उसे खरीद लेना और याद रखना कि उसकी कीमत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फ्रेंड को पसंद है तो खरीद लेना। ये है अगला घर और यहाँ हम कुछ करेंगे अलग। क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ तरीक अपना कैमरा काल को दे दे और ब्रैडी तुम अपना कैमरा दो क्रिस को। अब शूट कर रहे हैं ये दो धपचू लोग और हमारे कैमरा मैन है यहाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन होगा, लेकिन जो भी पहले 100 पेनीज इस ब्रीफकेस में रखेगा ये घर उसका। ओके। ठीक है, चलो। हे, हाय। यहाँ हम बात कर रहे हैं और टरीक वहाँ निकल चुका है। नहीं नहीं नहीं, जिमी नहीं। मैं जा रहा हूँ भीड़ वाली जगह में जहाँ मैं लोगों से मांगूंगा पेनिस और मैं देखना चाहूंगा कि वो मुझे देते हैं या नहीं। वैसे सच कहूँ ये कैमरामैन वाला काम बहुत आसान है,
तुम्हें पसंद है क्या? हाँ, पता नहीं तुमसे ये काम क्यों नहीं होता। हमें भागना होगा। मैं भागने नहीं वाला, मैं आंटियों वाली जॉगिंग करूंगा। क्या आप मुझे $1 के बदले सारा छुट्टा देंगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 5 पेनीज, हमारे पास है 5 सेंट। चलो अब चेकआउट पर चलते हैं, मैं लाइन में रुका तो मैं हार जाऊंगा। अगर मैं आपको $20 दूंगा तो क्या आप मुझे सारे पेनीज देंगे? क्या तुम्हारे पास पेनीज है? नो पेनीज। और वहाँ दूसरी तरफ टॉड और उसकी बीवी घर का सामान खरीदने में लगे हुए हैं। मुझे ये वाला काउच पसंद आया, हम ये वाला ले गए। अच्छा, इस पूरे सेट की क्या कीमत है? $5,000 पूरे सेट की, क्या आप लेंगे? हम ये सब कहाँ रखने वाले हैं? उनके पास काउच नहीं है। 6 टीवी, क्या सच में चाहिए? लगता है बहुत कुछ ले लिया स्टोर से। हाँ। उम्मीद है जिमी का कार्ड चले। देखो वो रहे। अरे नहीं। हाँ, वो लोग अंदर आ रहे हैं। उसे पेनिस मिली, उसे मिली। हम ये ले चुके हैं, चलो बाहर। आपके पास 100 पेनिस है? बात बन गई? मुझे लग नहीं रहा था कि तुम ये कर पाओगे। अगर मैं आपको $20 दूंगा तो क्या आप मुझे अपनी सारी पेनिस देंगे? मैं किसी और से क्यों पूछूं? उनके पास 100 पेनिस थोड़ी ना होंगे। थैंक यू सो मच, मदद के लिए शुक्रिया। मुझे सिर्फ पेनिस चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। गाड़ी के नीचे मत आ जाना, मैं बचाने नहीं वाला तुम्हें, लेकिन वो फनी बहुत होगा। ये तो बहुत सारी पेनिस है। अगर मैं आपको $20 दूंगा तो क्या आप मुझे अपनी सारी पेनिस देंगे? क्या आप लोग मुझे अपनी सारी पेनिस दोगे? पेनिस, मुझे पेनिस चाहिए। पेनिस, तुम्हें लगता है उनके पास होगा? पेनिस पेनिस पेनिस, सारे पेनिस पेनिस। इतने पेनिस काफी होंगे? मुझे तो लगता है। अरे वाह, मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा। जिमी जिमी, क्या हाल है? मुझे मिल गए। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं कि पूरे 100 है या नहीं। 99 100। कंग्रेचुलेशंस ब्रैडी। तो तुम्हें मिलता है ये ब्रांड न्यू हाउस। वेलकम बैक टू रिक। हेलो, मैं ब्रैडी को उसका नया घर दिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम शूट करोगे? ओह, खुशी से, खुशी से। अगर तुम इस बाथरूम से गुजरते हो, मेरे पीछे आओ। ये है तुम्हारा मास्टर बेडरूम और ये काफी बड़ा है। ओह माय गॉश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर एक फायरप्लेस भी है और यहाँ की नेचुरल लाइट तो देखो। और वो है जेफ, हमारा साउंड इंजीनियर। है जेफ। अब ब्रैडी, तुम सोच रहे होगे कि ये डरावना सा दरवाजा कहाँ जाता है? ये सीढ़ियाँ है। अब सीढ़ियों से ऊपर चलो। क्या बात कर रहे हो यार तारिक, तुम ये हार गए? ओ माय गॉड। अब ब्रैडी के पास है अपना खुद का एक थिएटर रूम, जितनी चाहे उतनी डिज्नी मूवीज देखेगा, क्योंकि इसकी शक्ल पे ही लिखा है कि ये डिज्नी का फैन है। उसमें बुराई क्या है? हाँ, ए देखो, मैं एक बिल्ली हूँ। म्याओ। क्या बात है। ये रही घर की चाबी। उम्मीद है बजाओगे एपिक म्यूजिक। चलो देखते हैं टॉड ने कितने पैसे उड़ाए। मैं तो यहाँ सोना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। ये अलाउड नहीं है, घाटा करवाओगे क्या? जब हम निकले थे तब ये घर खाली था, अब देखते हैं क्या हुआ। ओह माय गॉश, माय गॉश, वाओ। तो आपने क्या क्या खरीदा? 7 या 8 टीवी सेट। 6-7 टीवी वैसे जरूरत से ज्यादा है, लेकिन ठीक है। अरे क्रिस, क्या ये ग्रिल है? क्या लोग घर के अंदर भी ग्रिल्स रखते हैं? नहीं, उसकी वजह से घर में आग लग सकती है। इतनी कॉफी क्यों है यहाँ? उसे कॉफी पसंद है। पूरे घर में ये मेरा फेवरेट रूम है। देखो इसे, जरा शावर को देखो, पूल को तो देखो। मुझे लगता है अब हमें उसे बुलाना चाहिए। ये कॉल करेंगी फिलिशिया को और उसे कहेंगी इस वीडियो में आने के लिए। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, ये एक्चुअली वीडियो ही है। फिलिशिया आ ही गई है और बस दरवाजा खटखटाने ही वाली है। ओह फेलिशिया, अंदर आ जाए। आ जाइए। चलो बता भी दो, तुम दोनों पूरा दिन क्या क्या कर रहे थे? ये घर तुम्हारा है, यहाँ पर रखी सारी चीजें तुम्हारी है। एक मिनट। हाँ पता है, बहुत कुछ समझाना है अभी, पर मैं सीरियस हूँ, 100%, आई प्रॉमिस। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मालूम है, मैं वही बात दोबारा कर रही हूँ। पता नहीं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। टॉड को लगा आपको जरूरत है 8 टीवीज की, तो इसमें है 8 टीवी। वो इमोशनल हो रही है। हे सुनो माँ, आप डिजर्व करती हो। नहीं, मैं ये डिजर्व नहीं करती। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम डिजर्व करती हो। क्या कहती हो, उसे ग्रिल दिखा दे क्या? हाँ हाँ, उन्हें ग्रिल दिखा दे। वो रो रही है। ओह माय गॉश, तो टॉड मुझे झूठ बोल रहा था, तुम्हें इतनी पसंद है कॉफी? उन्हें कॉफी पसंद है। तुम्हारे पास है लाइफ टाइम सप्लाई। ओह माय गॉश, तुम लोग पागल हो। बेस्ट बात तो यह है कि अभी और भी है, आपको देखना है क्या यहाँ क्या क्या है। मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है इस घर का बाथरूम। नहीं। मुझे खुशी हुई आपको घर पसंद आया। समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, मैं शॉक में हूँ। अपना दिल संभाले रखिएगा, हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है और आप उसे यहीं से देख सकती हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए कार खरीदी? आपके ब्रांड न्यू घर के लिए ये रही एक ब्रांड न्यू कार। ओह माय गॉश, मुझे खुशी हुई आप लोग खुश हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर बीस्ट को।